3x minus 5y is equal to 7 and 4x plus ay plus 9 is equal to 0 are perpendicular to one another, find the value of a. तो चलिए, तो आपको एक लाइन दिया हुआ है 3x minus 5y is equal to 7. आप इसे क्या करिए, y is equal to mx plus c फॉर्मेट में बना लीजिए. तो ये हो जा रहा है 5y is equal to 3x minus 7 यहां से, और y is equal to हो जाएगा 3 by 5 x minus 7 by 5. ये फर्स्ट पार्ट हो, फर्स्ट इक्वेशन हो गई. और आप इसे कंपेयर करिए किससे, y is equal to mx plus c वाले फॉर्मेट में y is equal to m1x plus c1. तो यहां से हम कंपेयर कर रहे हैं, therefore m1 is equal to 3 by 5. ये आ चुकी है. अब दूसरी वाली जो लाइन है वो a के टर्म्स में कुछ ना कुछ वैल्यूज देंगी, तभी a कैलकुलेट होगा. तो ये हो रहा है 4x plus ay माइनस प्लस 9, चलिए कर दीजिए जो दिखा लिया हुआ है क्वेश्चन में आ रहा है वही लिख रहे हैं. अब इसे करेंगे तो ay is equal to माइनस 4x माइनस 9, y is equal to माइनस 4 by a x माइनस 9 by a. ये दूसरी इक्वेशन हो गई. फिर से अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद y is equal to m2x plus c2, therefore m2 is equal to आ जा रहा है minus 4 by a. अब बस ये बातें हमें पता चल गई. given क्या दिया हुआ है कि ये 1 and 2 जो equations हैं ये आपस में, भाई ये और ये परपेंडिकुलर है, तो उसका मतलब ये है कि ये और ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि उसी इक्वेशन को हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं. गिवन 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या वन अनदर, चलिए कोई बात नहीं. देयरफॉर एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस 1. दिस गिव्स एम वन, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होता है, होती है एम वन एम टू माइनस 1. तो 3 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 बाई a, ये आ जा रहा है माइनस 1. तो 4 3 का 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5 a इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a आ जाएगा अपना कितना 12 बाई 5.